दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं ये पैटर्न। आप देख सकते हैं हमारा ऊपर एक शो बटन लगा हुआ है, नीचे पूरे शो बटन लगा हुआ है और ये डिजाइन जो हमने आपको इस वीडियो में दिखाई हुई है। नमस्कार दोस्तों, कामुने फैशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है आपको यहाँ पे बैक साइड डिजाइन सिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। हम जो है बहुत ही जल्दी पुणे शहर में आ रहे हैं 5 प्रकार की नौवारी साड़ी का कोर्स लेके। उसके अंदर जो है हम 5 प्रकार की नौवारी साड़ी सीखेंगे और वो जो है बहुत कम बजट में जो है हम आपको सिखाने वाले हैं। जिसको आप सीखने के लिए बाहर जाएंगे तो कम से कम आपको यहाँ पे 15,000 से 20,000 रुपए लगते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ 2,000 रुपए में 100% गारंटी के साथ ये कोर्स कम्प्लीट करके देंगे। इसके अंदर हम जो है 5 बड़ों की साड़ी सीखेंगे, 5 छोटों की साड़ी सीखेंगे। पहली साड़ी हम ब्राह्मणी बनाएंगे, दूसरी पेशवाई, तीसरी जो है मराठमोड़ा, उसके बाद में शाही मस्तनी और राजलक्ष्मी में। ऐसे छोटे और बड़ों का दोनों का भी मेजरमेंट हम उसके अंदर सिखाएंगे। अगर आप करना चाहते हो तो बहुत जल्दी जो है हमारे वर्कशॉप जो होने वाला है, तारीख होगी हमारी 7, 8, 9 अक्टूबर में और 2022 में। अगर आपको करना है तो हमने स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, वहां पे जो है आप कॉन्टेक्ट करेंगे और आपका सीट बुक करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज जो है हमारे पैटर्न के लिए। तो चलिए आज हम डिजाइन के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे पहला गला जो है बना के लिया हुआ है। अब हमें जो है कुछ अलग डिजाइन डालनी है, तो उस डिजाइन को जो है हम यहाँ पे जो है ड्रॉ करेंगे और आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे इस गले को हम पूरे राउंड में यहाँ पे बना के लेते हैं। जिस तरह से इधर राउंड है उसी तरह से हमने इधर राउंड लिया हुआ है। यहाँ पे जो है हमें यहाँ से जो है अलग जो है यहाँ पे इस तरह से गला डाल देना है, ये आएगा यहाँ पे। तो ये जो मेरा गैप होगा तो यहाँ पे जो होगा तो मेरा बटन लगने वाला है, यहाँ पे जो है तो बटन लगने वाला, इसलिए मैंने यहाँ पे गैप लिया। और इधर जो है मैं हुक लगाऊंगा इस साइड में और इसके ऊपर मैं शो बटन लगाने वाला हूँ। तो यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, इसे जो है यहाँ से इस गले को ले लेते हैं और यहाँ से हम इसे नीचे की ओर लेके आएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारी पूरी तरह से यहाँ पे बन चुका है हुक पट्टी और बटन पट्टी। यहाँ तक हम स्टिच करेंगे, इसे लगाएंगे हुक। हुक हमें जो है किस तरह से लगाना होता है ये हम आपको इसके अंदर बताएंगे। हम अगर चाहते हैं तो हम अलग तरीके से भी यहाँ पे जो डिजाइन कर सकते हैं। मान लीजिए ये डिजाइन आपको नहीं चाहिए और आपको जो यहाँ पे स्ट्रेट लेना है, हुक पट्टी बटन लगाने के लिए भी जो है आपको काफी आसान रहेगा। तो आप क्या करेंगे, इसे मिटा देंगे और यहां से इसे स्ट्रेट लेंगे। तो हम अभी ये डिजाइन न करते हुए आपको ये डिजाइन दिखाएंगे कि आपको ये डिजाइन कैसे बनती है। यहां से जो है पूरी पाइपिंग आ जाएगी यहां तक और यहां से अलग रहेगा और इसके अंदर से जो है हमारा ये कपड़ा यहाँ पे कवर होने वाला है। ध्यान दीजिए हमने जो है यहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा कपड़ा लिया हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी हमने पहले हुक के लिए ज्यादा कपड़ा लिया हुआ था, वो कपड़ा हमारे इसके अंदर चला जाएगा और उसके बाद में हमारी डिजाइन बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसे जो है एक जो है इसे कवर करेंगे और फिर जो है आपको दिखाते कि उसे कवर करने के बाद ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है मेन फैब्रिक के ऊपर इसे रखा हुआ है। सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करनी सिलाई, यहाँ से हम सिलाई ऊपर तक लेके चले जाएंगे, फिर दूसरी सिलाई हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पॉइंट से जो है यहाँ पे इस तरह से लेके चले जाएंगे, यहाँ तक जो है नीचे तक हम इसकी सिलाई लेके आएंगे और फिर जो है हम आपको दिखाएंगे कि इसे जो है कट करके कैसे पलटी करते हैं। तो अब जो है हम जो है राउंड में सिलाई लगा रहे हैं इस तरह से, जो है पहले हमारी सिलाई स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ये पूरे घुमाते हुए ये आ जाएगी आधे तक हमारे, यहाँ पे आने के बाद जो है हम आगे पीछे करेंगे और यहाँ से मशीन जो है साइड में निकाल लेंगे। देखिए हमारी दूसरे साइड की सिलाई जो है यहाँ पे लगाने के लिए स्टार्ट हो चुकी है, ये नीचे तक चली जाएगी, ये सिलाई जो है हमारे नीचे से हम लेके जा रहे हैं इसे गले की तरफ। अब देखिए ये राउंड में जो है इस तरह से सिलाई लगानी है और लगाने के बाद जो है हमें यहाँ पे पॉइंट निकालना है, ये कंटिन्यू जो है गले को राउंड करके आ जाएगी। हाँ, हम यहाँ पे आने के बाद जो इसे आगे पीछे करेंगे और इसका पॉइंट निकालेंगे अच्छा से। अब यहां से जो है गले को राउंड में हम सिलाई लगा रहे हैं और उसके बाद में जो है तो हम इसे कट करके आपको दिखाएंगे। तो आपको जो है इसे कट करना है,
यहाँ से जो है हम स्ट्रेट इसे नीचे लेके आएंगे सीधे में, ये पार्ट अलग बनेगा और वो पार्ट अलग बनेगा हमारे, और फिर जो है हम इसे नॉच लगा के इसे पलटी करेंगे। पहले तो हमारा जो बीच का यहाँ पे पूरा यहाँ पे कट कर देते हैं, अब हमें जो है इस गले को पूरी तरह से पलटी कर देना है। तो पहले लगाते हैं इसे नॉच, ये पूरे जितना राउंड होता है उस राउंड को पूरे को लगाना है आपको। देखिए यहाँ पे जो है हमारे इस तरह से पीस है, अब हम क्या करते हैं इसे पलटी करते हैं। पलटी करने के बाद जो है तो हमारा यहाँ पे इस तरह से पॉइंट निकलेगा, तो इसे हमें क्या करना है सुई से अच्छे से यहाँ पे जितना भी पॉइंट है इसे बाहर निकाल दीजिए। बस यहाँ पे जो है पूरी तरह से हमारा पॉइंट बाहर निकल चुका है। अब हमें जो है तो इसके ऊपर प्रेस लगाना है, प्रेस लगाने के बाद इसका जो है आकार पूरी तरह से बन जाता है। अब हमें दूसरा पीस लेना है, ये पीस को भी हमने इस तरह सिलाई लगाई है, आप सिर्फ इसे इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर कर लेंगे प्रेस। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट दीजिए। यहाँ पे देखिए हमने जो है यहाँ पे पाइपिंग लगा के लिए इस तरह से। अब हम दूसरे गले को जो है आपको पाइपिंग लगा के दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो है हम अभी आपको पाइपिंग लगा के यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो है हम पूरा राउंड में जो है इसे लगाएंगे और फिर जो है इसको लॉक करके हम आपको दिखाएंगे। इसके ऊपर जो है तो हम एक नेवी ब्लू कलर का यहाँ पे एक बटन बनाएंगे और वहाँ पे जो है आपको दिखाएंगे कि वो गला कैसे अटैच होता है। तो सबसे पहले जो है तो आपको वहाँ पे एक बटन बनवा के लेना जरूरी है, या फिर आप रेडीमेड डाल दीजिए या फिर कपड़े का बनाइए। अब हम यहाँ पे एक 2.5 इंच की पट्टी निकाल रहे हैं, ये 2.5 इंच पट्टी की जो है हम बनाएंगे यहाँ पे आय, और आपको जो है यहाँ पे आय पट्टी इस तरह से निकालनी होती है। फिर जो है ये लाइनिंग है, लाइनिंग हम लगाएंगे हमारे जो मेन फैब्रिक होता है उसके ऊपर। यहाँ पे एक 1.5 इंच की पहले यहाँ पे एक फोल्ड लगा के लेंगे और फिर गले को लगा के हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो है हम ये पट्टी 2.5 इंच की लगा रहे हैं और यहाँ पे जो ये पट्टी लगाने के बाद जो है तो हमारी यहाँ पे आय पट्टी बन जाती है। ऊपर के साइड से जो है तो हम इसे इस तरह से कवर करेंगे और नीचे के साइड में हम कवर नहीं करने वाले क्योंकि वहां पे कमर पट्टी लगेगी। यहां पे कर दीजिए पलटी और आप उसके ऊपर से लगानी है हमें सिलाई। ये सिलाई जो है उसके ऊपर से लगानी है, एंड तक इसी की सिलाई कर ली हमने, ये हो जाती है हमारी आय पट्टी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी पट्टी है और उसके बाद में जो है ये हमने यहाँ पे कवर करके लिया वाला पार्ट है। अब हमें इसे इस तरह से रखना है, देख लीजिए यहाँ पे लगेगा हुक और इसे जो है हमारी आय बनेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से हमारा गला जो है रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर जो है हमें लगानी है शो बटन, जो है यहाँ पे शो बटन लगेगा और यहाँ पे हुक लगेगा। इसके बाद में हमारी बैक साइड जो है पूरी तरह से तैयार होने को मतलब रेडी है। आपको पैटर्न दिखाने के लिए हम इसके ऊपर एक 5 नंबर की सिलाई जो है यहाँ पे लगाते हैं। आपको पैटर्न समझने के लिए जो है हम इसके ऊपर 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे एक थोड़ी सी सिलाई लगाते, ये सिर्फ हमें समझने के लिए जो है सिलाई लगाई जा रही, बाद में हम इसे निकालने वाले हैं। देख सकते हैं इसका आकार जो है गले का वो किस तरह से आपको दिखाई देता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो है यहाँ पे एक शो बटन लगाना है, यहाँ पे एक शो बटन लगाना है, यहाँ पे एक शो बटन लगाना है और यहाँ पे एक शो बटन लगाना है। ये शो बटन हो गया हमारे और एक लगेगा ऊपर के साइड में मतलब यहाँ पे इस तरह से। तो ये पूरा पैटर्न जो है हमारा यहाँ पे इस तरह से रेडी हो जाता है। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं ये पैटर्न। आप देख सकते हैं हमारा ऊपर एक शो बटन लगा हुआ है,
नीचे पूरे शो बटन लगा हुआ है और ये डिजाइन जो हमने आपको इस वीडियो में दिखाई हुई है।